सोलन में देश के साथ साथ हिमाचल में भी चक्का जाम पूरी तरह से रहेगा। जिला सोलन की सभी ट्रक यूनियन इस प्रदर्शन में भाग लेगी और चक्का जाम रखेंगी। चक्का जाम का असर जहां एक और रोजमर्रा की चीजों जैसे दूध, ब्रेड और सब्जी की सप्लाई पर पड़ सकता है, वहीं सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सोलन कालका शिमला गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हरदेव सिंह वर्मा ने कहा कि देश में डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अलग अलग राज्यों में डीजल की विभिन्न विभिन्न कीमतों से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। इंश्योरेंस को दोगुना कर ट्रांसपोर्टर्स को आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स इतने वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन वह कब समाप्त होंगे इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सोलन की कालका शिमला यूनियन ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। हिमाचल की जितनी भी यूनियंस है इसका समर्थन कर रही है। कल से हमारी डिमांड बंद है, हम कोई गाड़ियां किसी भी इंडस्ट्रीज को किसी भी चीज को नहीं देंगे। यहां सोलन में 250 गाड़ियां हैं जो काम नहीं करेगी। मांगे हमारी जो बेसिक मांगे है वो चार है। एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जो हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है, एक डीजल हाइक है, एक टोल टैक्स और एक इनकम टैक्स, ये चार मांगे हैं। इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एकदम हाइक इतनी ज़्यादा होगी कि 100% हाइक होगी है। एक तो डीजल की जो मांग है हमारी वो एक ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टर बचे। एक टोल टैक्स है, टोल टैक्स पे एक एक घंटा गाड़ियां खड़ी रहती है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये टोल टैक्स पे कितना खर्चा आया है, कब तक ये टोल टैक्स लगेगा।